नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में रिलायंस पावर स्टॉक को डिस्कस करेंगे। रिलायंस पावर के शेयर होल्डर को एक बड़ा झटका लगते हुए दिखा है और झटका ये है कि कंपनी को जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है SECI, उसने रिलायंस पावर को नेक्स्ट 3 ईयर के लिए बैन कर दिया है, बास कर दिया है। और ये फेक डॉक्यूमेंट सबमिट को लेकर के ये खबर आई, ना ही रिलायंस पावर और उसकी सब्सिडरी बिडिंग कर पाएगी फ्यूचर ट्रेंडर को अगले 3 साल के लिए। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज बार्ड अनिल अंबानी रिलायंस पावर लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी फॉर बिडिंग इन फ्यूचर टेंडर फॉर नेक्स्ट 3 ईयर एंड इट वॉज फाउंड टू हैव सबमिटेड फेक बैंक गारंटी। द डिवेंचर इज ड्यू टू फेक बैंक गारंटी, जो दी डिबारमेंट इज ड्यू टू फेक बैंक गारंटी सबमिटेड इन द लास्ट राउंड ऑफ बिडिंग, SECI सेड इन अ स्टेटमेंट ऑन थर्सडे। बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट सबमिट बाय रिलायंस NUBESS लिमिटेड, अर्लियर नोन एज महाराष्ट्र एनर्जी जनरेशन लिमिटेड, इट वॉज फाउंड डेट इंडोर्समेंट ऑफ द बैंक गारंटी अगेंस्ट द नियरेस्ट मनी डिपोजिट वॉज फेक। ये तो हर्षद मेहता वाला जो BR वगैरह फेक बना करके मैनिपुलेट कर रहा था, वही अगेन रिलायंस पावर कर रहा है। लेटर रिलायंस पावर इट सेड लीगली चैलेंजेस, जो डिसीजन है उसको लीगली चैलेंज करा गया रिलायंस पावर के द्वारा, कॉलिंग इट अनवारंटेड एक्शन। द कंपनी सेड इट हैज बीन अ विक्टिम ऑफ फ्रॉड, फर्जरी, क्रिमिनल कंस्पिरेसी एंड हैड फाइल्ड अ केस विद दिल्ली पुलिस इन अक्टूबर। लेकिन इस समय थोड़ा सावधानी बरतेंगे, रिसेंट की डिलीवरी तो ठीक ठाक ही दिख रही है। कंपनी 12 नवंबर को शायद अपना क्वार्टरली नंबर भी ला रही है, यहाँ देखेंगे 12 नवंबर को क्वार्टरली नंबर ला रही है। और नंबर से पहले इस प्रकार के न्यूज़, वैसे तो नीचे से ठीक ठाक तेजी दिखी थी, इस प्रकार का न्यूज़ प्रोबेबली हो सकता है कि अगेन लोअर साइड ये स्टॉक देखेंगे तो 36 और 28-30 जैसे लेवल को हिट करते देख सकता है। थोड़ा सावधानी रहेंगे क्योंकि न्यूज़ ट्रेंडिंग स्टॉक में मुझे नहीं लगता कि आपको बॉटम फिशिंग करना चाहिए।